अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुनीता आंटी, ये क्या बात हुई? इस घर में इतना पैसा है, हम क्या एक जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते? और वैसे भी आंटी, मैंने उससे वादा किया है। क्या मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है इस घर में? और अगर नहीं है तो मैं क्यों ही रह रही हूँ यहाँ पे? मुझे चले जाना चाहिए। हाँ तो चले जाओ यहाँ से, मैं पैकिंग में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, साथ में देख भी लूंगी कहीं कुछ सामान वामान चुरा के तो नहीं जा रही हो। मेरे ऊपर नजर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी अगर इस घर में किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठनी चाहिए ना, तो वो तुम, समझी? त्रिशा, एकांश, हमें इस लड़की की मांगों को पूरा करना चाहिए। इसने त्रिशा की जान बचाई है। हाँ माँ, क्योंकि त्रिशा भी तो इस घर की सदस्य है ना। सुरेन भाई, कैसी बात कर रहे हैं? इस लड़की को हम जानते नहीं है। ये लड़की कोई मुजरिम हुई या हमारी दुश्मन हुई तो? एकांश, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी बहन क्या इस घर में कोई दुश्मन को लाएगी क्या? भाभी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। पहले मुझे इसका चेहरा देखना होगा। बिना चेहरा देखे मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। अपना घूंघट हटाओ। एकांश, एकांश प्लीज ऐसा मत करो। वो उसके गांव में ना बराए मर्दों को अपना चेहरा दिखाना मना है। मैं एकांश अग्निवंशी हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अपना घूंघट हटाओ। साहब जी, ऐसा मत करिए, अब ये गजब मत करिए साहब जी। नहीं नहीं एकांश प्लीज। एकांश ठीक है, ध्यान से, ध्यान से। एकांश तुम ठीक हो ना? एकांश तू ठीक है ना? ये लड़की तो एक नंबर की अपशगुनी है। आते ही घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल देती। नहीं चाची, ये कहीं नहीं जाएगी। इसी घर में रहेगी। इसे जो काम करना है
करने दीजिए। एकांश, लेकिन माँ, इसने मेरी जान बचाई है। इतना बड़ा एहसान किया है, जितना तो हम कर ही सकते हैं ना इसके लिए। इस बात की खुशी मनाओ कि पैंथरा काम कर गया, या इस बात का दुख कि महक जीत गई। तुषा, इसे गेस्ट रूम में लेकर चल। ठीक है। चल। मिस्टर अग्निवंशी ने अचानक मुझे निकालने की बजाय नौकरी पे क्यों रख लिया? कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं गए? वो आदमी कौन था जिसने वो झूमर गिराया? उसके निशाने पर मैं थी या मिस्टर अग्निवंशी? पता लगाना पड़ेगा। ये दीदी किससे खुशबुसा कर बात कर रही? और वो झूमर गिर गया, वो तुमने गिराया ना? मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। ये दीदी किससे बात कर रही थी? कहीं वो जिक्र तो नहीं जिसके बारे में मिस्टर अग्निवंशी बोल रहे थे? वो जो भी है, दीदी उससे मिलने जा रही है और मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। मैं वो हे भगवान, अब क्या करूं? इनको क्या जवाब दूं? तुम थी त्रिशा, तुम्हें लेकर आई नौकरानी बनाकर। गई मैं, पूरा खेल खत्म हो गया मेरा। तुम्हारे गांव में पराए लोगों के सामने घूंघट ना उठाने का रिवाज है ना? पराए मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाना, यही कहा था ना तुमने? तो अब टिकी रहो अपनी बात पर। किसी को अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब संभल कर रहना। अगर अभी मेरे अलावा किसी और ने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता, मुसीबत हो गई होती। माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ ऐसे? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ये कदम किसी नेक इरादे से ही उठाया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम्हारा राज मेरे साथ महफूज है, बस ध्यान रखना अपना। माँ ने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी के आने के बाद से ये खुद मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। दीदी को निकालने के लिए तो ये अपनी जान पर खेल गई, और मैं जाके वापस आ गई तब भी कुछ नहीं बोला इन्होंने, क्यों? मैं तुम्हारा सच इसीलिए बाहर नहीं आने देना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर का बुरा नहीं चाहती। क्या पता तुम अपनी बहन की हरकतों पर नजर रखने के लिए यहाँ आई हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद निहारिका कुछ नया प्लान कर रही है। इस बार आप और आपका प्यारा बेटा नहीं जीतेगा। मैं तो उसकी हरकतों पर नजर रख ही रही हूँ, अगर महक भी उस पर नजर रखेगी तो मेरा ही फायदा होगा। निहारिका दीदी किससे मिलने जा रही थी? मुझे उसका पीछा करना होगा। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।